यौम आशूरा का एहतराम जानवर भी करते हैं। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आशूरा ऐसा मुबारक दिन है कि इंसान तो इंसान, चरिंदो परिंद, हत्ता के वहशी जानवर भी इसका एहतराम करते हैं और इस दिन की तआज़ीम करते हुए रोज़ा भी रखते हैं। आइए बुज़ुर्गान दीन रहमतुल्लाही अलैहिस्सलाम अजमाइन के चंद मुशाहदात और मलफूजात मुलाहजा कीजिए। नंबर एक, हज़रत सैदुना क़ैस बिन उबाद रहमतुल्लाही ताला अलैह फरमाते हैं, मुझे ये बात पहुंची है कि वहशी जानवर आशूरा का रोज़ा रखते थे। नंबर दो, हज़रत सैदुना फतह बिन शखरफ रहमतुल्लाही ताला अलैह फरमाते हैं, मैं रोज़ाना चींटियों के लिए रोटी तोड़ के डालता था, जब आशूरा का दिन आता तो चींटियां उसे ना खाती। लताइफुल मआरिफ सफ़हा 57। हज़रत अबुल हसन अली बिन उमर कुज़वैनी रहमतुल्लाही ताला अलैह फरमाते हैं, यौम आशूरा को चींटियां भी रोज़ा रखती हैं। मजमू फ़ी रसाइल सफ़हा 74। अब्बासी खलीफ़ा अल क़ादिर बिल्ला के साथ भी यही मामला पेश आया तो उसे बहुत हैरत हुई। उसने हज़रत सैयदना अबुल हसन कुज़वैनी रहमतुल्लाही ताला अलैह से इस बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया, आशूरा के दिन चींटियां रोज़ा रखती हैं। लताइफुल मआरिफ सफ़हा 57। हज़रत अल्लामा इब्ने नासिरुद्दीन दिमिश्की रहमतुल्लाही ताला अलैह वफ़ात 842 हिजरी लिखते हैं, 10 मुहर्रम अल हराम को एक शख्स गांव आया। लोग उस वक्त जानवर ज़बह कर रहे थे। उसने वजह पूछी तो गांव वालों ने बताया, आज वहशी जानवर रोज़े से हैं, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें दिखाते हैं। उन्होंने उस आदमी को एक बाग में ले जाकर खड़ा कर दिया। उसका बयान है, असर के बाद हर तरफ से वहशी जानवर आने लगे और बाग को घेर लिया। इनके सर आसमान की तरफ उठे हुए थे। किसी एक ने भी इस गोश्त में से कुछ नहीं खाया। जूं ही सूरज गुरूब हुआ, वो वहशी जानवर गोश्त पर टूट पड़े और जल्दी से सब कुछ खा गए। मजमू फ़ी रसाइल लिल हाफिज नासिरुद्दीन बिफ़ज़ल आशूरा अल मुहर्रम सफ़हा 74, इस्लामी महीनों के फ़ज़ाइल सफ़हा 20। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम।